हेलो एवरीवन, आई एम जरक शाज़े। फ्रेंड, आप लोग थंबनेल तो देख चुके होंगे, आज हम किस टाइप की फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। बहुत कमाल की फोटो एडिटिंग है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, सिंपली प्लस पर क्लिक कर लेनी और यहाँ पर आप लोगों ने गैलरी से पिक ऐड कर लेनी। मैं जल्दी जल्दी में ऐड कर लूँगा। हाँ भाई, तो ये वाली पिक मैंने ऐड कर ली है। पिक ऐड करने के बाद आप लोगों ने करना क्या, सिंपली यहाँ पर पेंसिल पे कर लेनी है। क्लिक क्लिक करने के बाद आप लोगों ने टून इमेज पे आ जाना है। टून इमेज पे आने के बाद आप लोगों ने ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है और इसके कंट्रास्ट को आप लोगों ने माइनस कर लेना है। और नीचे आप लोगों ने सैचुरेशन में आना है, सैचुरेशन को आप लोगों ने हल्का सा इंक्रीज़ करना है। बाकी हाईलाइट की वैल्यू को आप लोगों ने माइनस कर देना है और शेडो की जो वैल्यू है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है और टेक पे क्लिक कर लेनी है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आप लोगों ने फिर पेंसिल में आ जाना है। पेंसिल में आने के बाद अब आप लोगों ने डिटेल्स वाले ऑप्शन में आ जाना है। डिटेल्स वाले ऑप्शन में आने के बाद आप लोगों ने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। बाकी शार्पनिंग को आप लोगों ने यहाँ पर माइनस कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाना है। ठीक है, माइनस का ऑप्शन नहीं होगा इसमें, तो आप लोगों ने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना और टेक कर देना है। फिर आप लोगों ने करना क्या, सिंपली यहाँ पर आ जाना है पेंसिल में। पेंसिल में आने के बाद आप लोगों ने करना क्या, विंटेज वाले ऑप्शन में आ जाना है। विंटेज वाले ऑप्शन में आने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, ये 12 नंबर वाला। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों ने सेलेक्ट क्लिक कर लेनी है। ठीक है, ब्राइटनेस को आप लोग थोड़ा सा इंक्रीज़ करें, बाकी जो सैचुरेशन है इसकी फुल माइनस कर दें और आप जो स्टाइल स्ट्रेंज थे ना इसको आप लोगों ने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना तकरीबन यहाँ तक। बाकी जो विग्नेटी स्ट्रेंज थे इसको भी आप जैसे भी इंक्रीज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, मैं यहाँ तक रखूँगा। और टेक पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। टेक पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर सिंपली आ जाना है और सिंपली यहाँ पर व्यू एडिट्स पे आ जाना है। व्यू एडिट्स में आने के बाद आप लोगों ने सिंपली विंटेज पे कर लेनी है क्लिक। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर ब्रश में आ जाना है। ब्रश में आने के बाद आप लोगों ने भाई इसको कर लेना है ऑन। ठीक है, इस पे कर लेनी है क्लिक। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक कर ली, यहाँ पर ये जीरो पे होनी चाहिए। ठीक है, अब आप लोगों ने करना है पेक को थोड़ा सा जूम कर लेना है। पेक को जूम करने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर चला लेना है और ये उतार देना है। मैं अब जल्दी जल्दी मैं चला लूँगा। हाँ फ्रेंड, तो यहाँ पर मैंने इसे कलर उतार दिया। आप लोगों ने टेक पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सिंपली बैक आ जाना है। फिर आप लोगों ने आ जाना है पेंसिल में। पेंसिल में आने के बाद आप लोगों ने सिंपली करना है कि यहाँ पर आप लोगों ने आ जाना है विग्नेटी वाले ऑप्शन में। विग्नेटी वाले ऑप्शन में आने के बाद आप लोगों ने सिंपली आप लोगों ने इसको थोड़ा सा आउटर ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करना है। बाकी इनर ब्राइटनेस को थोड़ा सा आप लोगों ने माइनस कर देना है और टेक पे क्लिक कर देनी है। फिर आप लोगों ने करना है सिंपली यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कर्व्स का। कर्व्स वाले ऑप्शन को आप लोगों ने ले लेना है। कर्व्स वाले ऑप्शन को आप लोगों ने लेने के बाद आप लोगों ने करना क्या, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर देनी है और ग्रीन पे आप लोगों ने क्लिक करना है तो ये कलर आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं सारे कलर आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, हम रेड पे क्लिक करेंगे और ये वाला कलर आप लोगों ने ले लेना है। कोई भी कलर आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर ब्लू पे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ तो ये आएगा। ठीक है, कोई भी आप जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं रेड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं बैक आ, ठीक है, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, रेड पे क्लिक कर देनी है। ठीक है, आप लोगों ने तो ये वाला आप लोगों ने कलर ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला कलर मैंने ले लिया। अब आप लोगों ने करना क्या, सिंपली इसको फुल कर देना है ऐसे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। टेक पे क्लिक कर लेना है। टेक पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने व्यू एड्स पे कर देनी है क्लिक। व्यू एड्स पे क्लिक कर देने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर कर्व्स पे क्लिक कर देनी और यहाँ पर ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको ऑन कर लेना है। ठीक है, इसको अनेबल कर लेना है। अब आप लोगों ने करना है पिक को थोड़ा सा जूम कर लेना है और इसके ऊपर से आप लोगों ने भाई ये वाला उतार लेना है। इसको माइनस कर देना है, सॉरी जीरो पे कर देना है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें उतर रहा है तो अब मैं जल्दी जल्दी में उतार लूँगा। हाँ फ्रेंड, तो यहाँ पर मैंने इसको भी उतार लिया। अब आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लेनी है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप लोगों ने फिर पेंसिल में आ जाना है। पेंसिल में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर सिलेक्टर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ये वाला सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने फेस के ऊपर आप लोगों ने रख लेना है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर ब्राइटनेस इंक्रीज़ कर लेनी है और कंट्रास्ट को माइनस कर लेना है और सैचुरेशन को आप लोगों ने थोड़ा सा बढ़ाना है। फिर प्लस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप लोगों ने फेस पे क्लिक कर देनी तकरीबन यहाँ पे। फिर आप लोगों ने ब्राइटनेस इंक्रीज़ करनी है और कंट्रास्ट को माइनस कर देना है और सैचुरेशन थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी है और टेक पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। इस पर ऑलरेडी इस पर लिपस्टिक लगी हुई है। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है, यहाँ पर आ जाना है पेंसिल में और यहाँ पर डबल एक्सपोजर पर क्लिक कर देनी है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने प्लस पर आना है और यहाँ पर एक PNG लेना। मैं जल्दी जल्दी में ऐड कर दूँगा।
ये वाला पीएनजी मैंने ले लिया। आप लोगों ने इस पर कर देनी है क्लिक, क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सिंपली करना है लेटन पे क्लिक कर देना है तो ये पीएनजी ऐड हो जाएगा। अब आप लोगों ने करना है इसको ओके कर देना है, लेकिन इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर दें तकरीबन यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक रखें। अब आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे ये लग गया ठीक है, इसके ऊपर से अगर ये उतारना चाहें तो आप उतार सकते हैं ठीक है, ये जो पार्टिकल लगा है ठीक है, आप उतारना चाहें तो आप उतार भी सकते हैं ठीक है। मैं यहाँ तक ही रखूँगा, यहाँ पे आपकी पिक रेडी होगी। अब आप लोगों ने करना क्या है, सिंपली यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने सिंपली फ्रेंड इसको सेव कर देना है। फ्रेंड आज की मेरी बात ये थी, वीडियो अगर वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।